हेलो दोस्तों, केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी केपीएम जीएस सामान्य अध्ययन की प्रतियोगिता कराने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है। अगर आपने नहीं फॉर्म को फिल किया है तो, और अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म को फिल कर दें, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो बच्चों ने फॉर्म को फिल किया, उनसे लगातार हमारे पास कॉल आ रहा है कि उसका सिलेबस क्या है और उसमें क्या प्रोसेस है, कैसे उसको फॉर्म को फिल करना है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम कुछ उन बच्चों से चर्चा करने वाले हैं जो बच्चों के मन में आ रहा है कि फॉर्म को फिल क्यों किया जाए, और कुछ गार्जियंस भी ऐसा हमारे पास हमसे कह रहे हैं कि फॉर्म को फिल क्यों किया जाए। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि फॉर्म को फिल क्यों करें और जो केपीएम जीएस कंपटीशन कराया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे हम परीक्षा में सीखने को क्या क्या सीख सकते हैं। पहली चीज, परीक्षा में ओएमआर सीट पर कराई जा रही है। अगर ओएमआर सीट की बात करते हैं तो ओएमआर सीट पर जब बच्चे बड़ी क्लासों में जाते हैं, बड़ी क्लासों के बाद कंपटीशन देने जाते हैं, तो वहाँ पे जो एग्जाम होता है ओएमआर सीट पे होता है, और बच्चे पहली बार एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं ओएमआर में, जैसे नाम को फिल करना, या बच्चों को जब ट्वेल्थ के बाद एग्जाम देना होता है, चाहे वो बीए के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीए का एग्जाम जब देने जाते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का देना चाहें, बनारस यूनिवर्सिटी का देना चाहें, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर देना चाहें। अब वहाँ पे अगर सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कस करें तो जो जीएस का सिलेबस रहना है वो हमारा सेम सिलेबस रहता है। जीएस के बाद अगर हम बात करते हैं तो जब हम यहाँ पे नवोदय का एग्जाम, जो क्लास सिक्स के बच्चे हैं, जो क्लास एट्थ के बच्चे हैं, क्लास सिक्स और एट्थ के बच्चे, जिन माता पिता का सपना होता है कि बच्चे हमारे नवोदय में चले जाएं, सैनिक स्कूल में चले जाएं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ से सिलेबस के बारे में अपना देखेंगे कि वहाँ पे बेसिक लेवल की मैथ आती है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है, फ्रैक्शन क्या है, रेशियो क्या है, जनरल मैथ आती है, उसके साथ में रीजनिंग, और उसके साथ में हमारे जो इंग्लिश में लिखे गए सिलेबस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस, जनरल इंग्लिश। तो इसी को देखते हुए बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करें, और कुछ उसी बेस पे पेपर भी बनाया जाता है कि बच्चे आगे चल के जो सोच रहे हैं कि हम नवोदय में चले जाएंगे या सैनिक स्कूल में चले जाएंगे, या 11th 12th, विशेष करके 11th 12th के बच्चों पे चर्चा करना चाहते हैं, जो जिनका सपना है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, और वो चाह रहे हैं कि इसके बाद हम इंटर के जस्ट बाद अपना जो बढ़िया यूनिवर्सिटी है, डीयू यूनिवर्सिटी में बीए का एडमिशन कराना चाहेंगे, तो उनके लिए पूरा सिलेबस सेम रहना है। तो क्यों ना अभी से ही हम, तो 4-6 महीना हमारे पास, जो भी 6-7 महीना बचा है, उसके पहले से हम जीएस का कुछ सिलेबस कवर करके एक केपीएम जीएस सामान्य अध्ययन का प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें हम अपने आप को देखें, अपना मूल्यांकन करें कि हमारा क्या पैटर्न है, हमने क्या पढ़ा है, और पढ़ के उसके बाद फिर हमको यहां से एंट्रेंस एग्जाम अगर हम बीए का देंगे तो उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। तो अब हम कुछ सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे फॉर्म को नहीं फिल किए हैं और अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं वहां से, और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आना है। तो यहां पर जैसा कि दिख रहा है कि पेपर का जो टाइम है वो कितने घंटे का है, 1.5 घंटे का टाइम है। जीएस के क्वेश्चन में बात करते हैं तो जीएस का हमारा 60 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। पेपर दो लेवल का बनेगा, एक 6th to 8th बनाया जाएगा और दूसरा 9th से 12th बनाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पेपर में, तो जो हमारे पास यहां पे सबसे पहले जीएस में क्वेश्चन आना है, उसमें हमारे पास आएगा भारत में प्रथम, भारत में प्रथम होने का मतलब कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, या यहाँ पे सर्वाधिक लंबा या ऊंचा, तो सर इसमें आ जाएगा हमारे पास जो भारत में सर्वाधिक सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे लंबा पहाड़ कौन है, या सबसे लंबा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। विश्व में प्रथम बात करते हैं तो विश्व में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं वहां से क्वेश्चन उठाया जाएगा। इसके बाद इसमें लिखा गया है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, इसका मतलब है कि विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का मतलब ये होता है कि जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से कितने देश सीमा बनाते हैं, तो वहां से क्वेश्चन उठाया जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, तो प्रमुख चिन्ह और प्रतीक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। विभिन्न देशों की संसद का नाम, जैसे भारत देश की संसद का नाम क्या है, या अमेरिका की संसद का क्या नाम है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं, तो अभी आप लोग कल महात्मा गांधी की जयंती मनाने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, तो उससे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। प्रमुख पर्यटक स्थल, जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि जो ताजमहल है वो कहाँ पे स्थित है, तो हम बताते हैं आगरा में स्थित है, कुछ ऐसे हमारे पास। अगला, भारत में प्रथम विरासत स्थल क्या है। प्रमुख व्यक्तियों का लोकप्रिय नाम, तो जैसे उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का नाम जो लोकप्रिय नाम है उसमें नाम पूछ लिया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं करंट, तो करंट का जो है, करंट का अपना एक
अहम रोल रहता है, जो विशेष करके उन बच्चों के लिए जो AU या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने आप को चाहते हैं कि हम अपना एडमिशन कराएं, वो इसमें सबसे अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। उनके लिए करंट का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहता है कि जैसे हमारे पास पूछ लेता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, या वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, या वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करंट से दिए जाएंगे। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन को रखा जाएगा जो आपके लिए, आप चाहे एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हों या छोटे बच्चों के लिए छोटे लेवल पे, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हर बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल के बच्चों से आप पूछिए कभी कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो बड़ी हंसी आती है कि बताते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनको ये नहीं पता है। तो इस KPMGS कंपटीशन को कराने का ये ही उद्देश्य है कि बच्चे थोड़ा सा GS के बारे में जाने कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, और इसी के माध्यम से बच्चे इसको पढ़ें कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा बच्चों को इन्फॉर्म हो। तो इसलिए पेपर को देना और पेपर को देके वहां से सीखना, नई चीजों को पढ़ना, ये बच्चों के लिए इस KPMGS कंपटीशन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स LCM एंड SCF की बात करते हैं। LCM SCF, अब SCF की बात करते हैं तो जो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के अपने चैनल पे SCF का एक नहीं, पांच पांच मेथड बताया गया कि आप पांच मेथड से SCF कैसे निकालेंगे। आपको अभी अजीब लग रहा होगा कि पांच मेथड से SCF, लेकिन ये सही है। अपने चैनल पे इसका वीडियो अपलोड है कि एक SCF निकालने के हम पांच मेथड सीख सकते हैं, पांच मेथड से हम SCF कैसे निकालेंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कुछ अपने यहाँ शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद बोर्ड मास में जो ब्रेकट है, ब्रेकट को सॉल्व करने के बाद जैसे डिवाइड फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस सॉल्व करते हैं, वो बोर्ड मास से क्वेश्चन कुछ रखे जाएंगे। कुछ हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन से रहेगा, कुछ हमारा क्वेश्चन रेशियो से रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस जनरल मैथ से, जो अपने यहां पे आप देखेंगे तो अपने यहां एक इसमें प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे तो वहां एक ट्रिक का वीडियो बना है जिसमें जनरल मैथ्स के बहुत सारे बेहतरीन ट्रिक बताई गई हैं, जिसको आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में वहां से सारे वीडियो को देख लीजिए, वहां से भी कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद हम अपने अगले सिलेबस पे बात करते हैं जो हमारे पास यहां पे दिख रहा है इंग्लिश का। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो 6th to 8th और 9th to 12th, इन दोनों को ध्यान पे रखते हुए जो 6th से 8th का सिलेबस है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को इनके लेवल पे रखा जाएगा, और जो 9th से 12th है उनको उनके लेवल पे। जैसे अगर बात करते हैं इस लेवल पे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो हम कुछ ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन का, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है राम इज गोइंग, राम क्या कर रहा है, राम जा रहा है। अब यहां से क्या कर दिया जाएगा कि राम के साथ में इज नहीं एम लगा दिया जाएगा, तो हमें पता है कि राम के साथ एम का प्रयोग नहीं करते और एम हमारा क्या है, मिस्टेक है, और पहले ऑप्शन में एम दिया रहेगा और एम हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस रखे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एंटानिम सेनानिम की बात करते हैं, तो छोटे लेवल पे जैसे गुड का बैड होता है, इस लेवल पे सेनानिम एंटानिम रखा जाएगा। ईडियम फ्रेज की बात करते हैं तो ईडियम फ्रेज के से क्वेश्चन रखे जाएंगे, जैसे कुछ हमारे पास फ्रेज होते हैं जैसे दिस ट्री इज अमांग ऑफ कंट्रेंशन बिटवीन आई एंड यू, मतलब इसका मतलब ये होता है, अमांग ऑफ कंट्रेक्शन का मतलब होता है कि यह पेड़ जो है वो हमारे और तुम्हारे बीच झगड़े की जड़ है। तो झगड़े का जड़ के लिए यहाँ पे किसका, इडियम फ्रेज का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे वन वर्ड में हम एथिस्ट का यूज करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। टेंस में बात करते हैं तो टेंस से कुछ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे हैज लग जाता है कि सेंटेंस में हैव लग जाता है, तो जैसे उसमें जैसे इसी टाइप में क्वेश्चन रहेंगे कि आई के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है कि हैव लगता है, तो कुछ ऐसे मिस्टेक कर दी जाएगी टेंस में और उसको हमको क्या करना रहेगा, उसको हमको सही करना रहेगा। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश से बेहतरीन क्वेश्चन उठने वाले हैं, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आप पहली बार सीखेंगे उसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि जो सबसे पहली डिक्शनरी आई थी इंग्लिश में, जो सबसे पहली डिक्शनरी आई थी वो उसको किसने लिखा था, जो इंग्लिश की सबसे पहली बुक आई थी उसको किसने लिखा था, इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, इंग्लिश को शुरुआत करने वाले कौन थे। तो कुछ इस लेवल का क्वेश्चन जिसको आप देख के बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहां पे अगर बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने चैनल पे हिमांशु सर जी के द्वारा पढ़ाया गया है, जिसको आप पढ़ें, जो जिसमें आपको सीखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से बताया गया है, आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर हम बात करते हैं ईडियम फ्रेज, तो ईडियम फ्रेज का जो भी वीडियो पे पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, उसमें आप बैठ के पूरा ईडियम फ्रेज तैयार कर सकते हैं। वन वर्ड के क्वेश्चन भी वहां पे पड़े हुए हैं, वन वर्ड क्वेश्चन आप वीडियो में जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, उसके इंग्लिश वाले में वहां पे वन वर्ड के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पे पूरा सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर लिया, तो आप लोग बैठे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ और बातों पे चर्चा करने वाले हैं। और
खुद तो देख ही रहे हैं, उन बच्चों को विशेष करके शेयर कर दीजिए जो बच्चे फॉर्म में फिल किए हैं और उनको सिलेबस नहीं पता है, तो वो भी बैठ के सिलेबस को देख लें। अब हम बात करते हैं इनाम में, इनाम में क्या रखा गया है ये भी आपके मन में है। तो इनाम में पिछले वर्ष भी साइकिल इनाम में दी गई थी, जो आपको दिख भी रहा होगा। अब इसके बाद भी साइकिल रखी गई है और विगत वर्षों में कंप्यूटर आदि चीज़ों को दिया जाता है, स्मार्ट वॉच दिया जाता है, तो इस बार भी एकदम बेहतरीन इनाम आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिए। प्रोसेस रहता है वो, हम लोग टॉप 15 लोगों का, टॉप 15 बच्चों को इनाम दिया जाता है। तो आप बढ़िया से मेहनत करिए और मेहनत करने के साथ साथ इसमें जो हमारे पास SCF के मेथड है वो आप सीखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच या इंग्लिश के जो वीडियो इसमें डाले गए हैं उसको आप लगातार देखते रहिए। बाकी और किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद जैसे भी इंफॉर्मेशन रहेगा यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।